ये भैया बहनों, हम लोगों ने डिफरेंस ऑफसेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन पढ़ा। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो भी आपने कर लिया होगा। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी ए सेट ऑफ ए बी ए सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। नहीं, अगर यू हमारा यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है जो यू का सबसेट है, तो यदि हम ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालते हैं, यानी पूरक समुच्चय निकालते हैं, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। एल्जेब्रिकली इसको अगर हम सिंबोलिकली डिनोट करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू, अर्थात यक्स यू में तो पाया जाएगा लेकिन ए में नहीं पाया जाएगा। अर्थात जब हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट हमारा है, इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक सेट ए है 1, 3, 5, 7, 9, इसका सबसेट भी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो हमने यू में से एक जितने एलिमेंट है माइनस कर दिया, 1, 3, 5, 7, 9 यहाँ से हटा के शेष जो बचा हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। एक बात और, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर पुनः कॉम्प्लीमेंट हम निकालते तो वही सेट आ जाता है। इसको अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ यू से डिनोट कर दिया, उसमें एक सबसेट ए बनाया और इसका कॉम्प्लीमेंट इस सर्किल के बाहर की जो एरिया है जो हमने शेड किया वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेट ए दिया 2, 3, सेट बी दिया 3, 4, 5। आपको शो करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। एल एच एस आपने देखा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट को घटा दीजिए। अब यूनिवर्सल सेट में दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट को मिला करके लिखना, तो हमने लिखा 2, 3, 4, 5। अब यूनिवर्सल सेट में से इन सारे एलिमेंट्स को मैं माइनस कर देना, तो हमको मिला 1 और 6, ये हमारा एल एच एस हुआ। आर एच एस है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से सेट ए के एलिमेंट को माइनस करेंगे, तो सेट यू के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ए के एलिमेंट 2, 3, 2, 3 जब हमने माइनस कर दिया तो 1, 4, 5, 6 मिला। ऐसे हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला यू में से वी घटा करके। तो अब जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया तो दोनों में 1 और 6 पाए जा रहे हैं, यहाँ भी 1, 6, यहाँ भी 1, 6। तो इस तरह से आपने देखा एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल हो गए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि सेट ए और कॉम्प्लीमेंट सेट ए ऑफ ए का यूनियन लिया जाए तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, यानी ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो हमको फाई मिलेगा, इम्पटी सेट, इसको कॉम्प्लीमेंट ला कहते हैं। तीसरा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। और एक है किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है, नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज इक्वल टू ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन कहलाएगा। और अगला है कि इम्पटी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते तो यूनिवर्सल आता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इम्पटी आता है, लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट कहलाता है। एक एग्जाम्पल है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 9 तक, एक सेट बी दिया 2, 4, 6, 8,
एक सेट सी दिया है 3 4 5 6। ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर वन है, एक पार्ट हमने ले लिया है। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी, तो पहले आप बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी माइनस सी सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन बी बट नॉट इन सी, ऐसे एलिमेंट जो बी में हो लेकिन सी में ना हो। तो आप देखिए 2 और 8 बी में है लेकिन सी में नहीं है, तो बी माइनस सी में है तो आया 2 8। जब हम बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी माइनस सी के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, तो 2 और 8 निकल जाने के बाद हमारा मिला 1 3 4 5 6 7 9 बच गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट कर दिया। फिर कह रहा है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला इसने कहा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक सेट दिया उसको हमने a से डिनोट कर दिया। आज जब इसका कॉम्प्लीमेंट कहेंगे तो नेचुरल नंबर में तो हमारे इवन और ऑड दोनों आ जाएंगे। अब चूंकि सेट a में इवन नेचुरल नंबर आ गया तो उसके कॉम्प्लीमेंट में केवल ऑड नेचुरल नंबर बचेगा, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। दूसरा सेट दिया है, एक सेट b लिखा है x such that x is greater or equal to 7, इन x का मान 7 या 7 से बड़ा है और x है क्या वो नेचुरल नंबर है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो चूंकि इसमें 7 से लेकर के आगे की संख्याएं आ गई तो जो 7 से लेस नंबर होगा और नेचुरल होगा वो इसमें आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज इक्वल टू x such that x belongs to n and x is less than n, ये भी x belongs to n है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 4 7 एक्सरसाइज 4.5 का आप कर लेंगे और शेष जो क्वेश्चन इसमें है वो हम करवाएंगे। थैंक यू।